बात यूक्रेन पर हुए सबसे घातक हमले की। जब जेलेंस्की कीव में सो रहे थे तब आधी रात अचानक उनका शहर धमाकों से गूंज उठा। उनके शहर पर क्रूज मिसाइलों का कहर टूट पड़ा, लेकिन अब की बार निशाने पर राजधानी कीव नहीं बल्कि कोई और शहर था। और ये वो शहर था जहां यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जन्म लिया, जो उनका पुश्तैनी घर है। और ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या पुतिन वो वादा तोड़ देंगे जिसमें उन्होंने जेलेंस्की को जान से नहीं मारने का भरोसा दिया था। व्लादिमीर पुतिन के दिल में आक्रोश की आग इस कदर धधक रही है कि अब रूस का किलर स्क्वाड वोलोदिमीर जेलेंस्की के घर में घुस गया है। ये मध्य यूक्रेन का क्रवाई वीर शहर है, जहां रात के अंधेरे में रूस की घातक क्रूज मिसाइल इस 5 मंजिला इमारत पर गिरी तो कोहराम मच गया। इमारत का इतना बारूद गिरा कि आग के शोले धधक उठे। कलेजा कपा देने वाली आवाज के साथ इमारत धराशायी होने लगी। आसपास के हरे भरे पेड़ तक सुलग उठे। पल भर में पार्किंग में खड़ी गाड़ियां जलकर खाक हो गईं। इस धमाके में मरने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है। कुछ लोग तो नींद में ही मौत की आगोश में समा गए, तो कुछ मलबे में जिंदा दफन हो गए, कुछ जख्मी लोग अब भी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। यूक्रेन के पलटवार से पुतिन का गुस्सा चरम पर है। ऐसे में अब उनकी सेना सीधे जेलेंस्की को निशाना बनाने में जुटी है। क्रवाई री पर हमला इसका बड़ा सबूत है, क्योंकि यूक्रेन का वो शहर है जहां जेलेंस्की पैदा हुए। मिसाइल हमले में इस इमारत पर इतनी बारूदी बारिश हुई कि आग बुझाने में फायर फाइटर्स के पसीने छूट गए। धमाके के वक्त मंजर कितना भयावह था, इसकी आंखों देखी यहां के रहने वाले लोगों की जुबानी समझें। Я проснулся от первого хлопка слабого. Сразу на балкон это, а второй потом над головой я шарахнуло зарево такое. У балкон вижу, что сыпятся куски горящие, блин. Посмотрел налево, смотрю, первый, второй подъезд с той стороны горит. Вот и все. И начал смотреть, что у меня. Но у меня тупо повреждения нема только. हमले की चपेट में आई इमारत में रहने वाले लोगों के मुताबिक सुबह के 3 बज रहे थे जब जबरदस्त विस्फोट से उनकी आंखें खुली, तो वो आग और बारूदी गन से दहशत में आ गए। Мы спали, оно бахнуло и вылетело все. Даже не знаем, как оно и получилось. Сначала сильно бахнуло, машины загорелись, потом дома у нас окно вылетело полностью. Последствия, конечно, не очень хорошие. Темно было, ночь, 3 часа ночи. Начало 4. Ничего не видно было. Ничего не видно было, даже не ожидали, что так темно окно. धमाके के बाद कुछ खुशकिस्मत ऐसे भी थे जो खुद मलबे से निकलने में कामयाब रहे। Тому що коли ми вилізли з-під завалів, перше, що я побачила, це люди, які повискакували голі, з голими дітьми. І з сусідніх будинків, де теж все повилітало, вискакували люди, виносили капці, халати, воду, ковдри діткам. Що вам допомогти, що вам надати, яку вам допомогу надати, ходіть до нас. जेलेंस्की के क्रवाई री शहर में रहने वालों के लिए ये बहुत बड़ी आपदा थी, ऐसी त्रासदी जो उन्होंने अब तक कभी नहीं देखी थी। Мінські влучили двори, прилетіли декілька ракет, котрі руйнували як промислові підприємства, як заклади деякі, так і жилі будинки. यूक्रेन की सरकार के मुताबिक रूस की सेना ने बीती रात धुआंधार मिसाइलें दागी। पुतिन की आर्मी ने बीती रात यूक्रेन पर 14 क्रूज मिसाइलों से हमला किया। दावे के मुताबिक यूक्रेन ने इनमें से 10 मिसाइलों को नाकाम कर दिया। रूस ने यूक्रेन पर 4 ईरानी ड्रोन भी फायर किए, इनमें से 1 ड्रोन को यूक्रेन के एयर डिफेंस ने मार गिरा। इसके जवाब में हमला यूक्रेन ने भी किया, लेकिन रूस का दावा है कि उसने जेलेंस्की की सेना के हर वार को बेकार कर दिया। हालांकि यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के लड़ाकू विमान को मार गिराया है।
जेलेंस्की की आर्मी पलटवार की पुरजोर कोशिश में जुटी है। यूक्रेन ने डोनेस्क इलाके के कई गांवों पर दोबारा काबिज होने और रूस के सैनिकों को खदेड़ने का दावा किया है। ड्रोन कैमरे में कैद ये डोनेस्क का स्टोरोझेवे इलाके की तस्वीर है, जिसे यूक्रेन के सैनिकों ने रूस से दोबारा हासिल करने का दावा किया है। यूक्रेन के दावे के मुताबिक उसने रूस से 7 गांव वापस छीन लिए हैं। दावा तो ये भी है कि जेलेंस्की की सेना क्राइमिया पुल से अब सिर्फ 90 किलोमीटर दूर है। यूक्रेन के दावों को सही साबित करने वाले कुछ वीडियो भी सामने आए हैं, जिसकी तस्दीक इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने भी की है। पूर्वी यूक्रेन में भी जेलेंस्की की आर्मी का पलटवार जारी है। ये पखपूत इलाके की तस्वीर है। 9 महीने की लंबी और भीषण लड़ाई के बाद इस इलाके पर रूस की सेना काबिज हो पाई थी, लेकिन अब यूक्रेन का दावा है कि उसके सैनिकों ने यहां से भी पुतिन के जवानों को पीछे धकेलना शुरू कर दिया है। जेलेंस्की खुद कह चुके हैं कि उनकी सेना का पलटवार जारी है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे अमेरिका को ही यूक्रेन के इस दावे पर यकीन नहीं है। These are, of course, early days, so much too soon to say exactly where this is going. But I think it's important to note that as a result of more than 50 countries coming together in support of Ukraine, and particularly the courage and tenacity of Ukraine's military and its people, we're confident that they will continue to have success in what they're trying to achieve, which is to take back the land that's been seized from them by Russia. जेलेंस्की का दावा है कि रूस पर पलटवार में उन्हें उम्मीद से ज्यादा कामयाबी मिल रही है। पुतिन की सेना को खदेड़ने और नुकसान पहुंचाने में यूक्रेन के लिए पश्चिमी देशों से मिले हथियार अहम रोल निभा रहे हैं। ऐसे में जेलेंस्की ने अमेरिका से कम 50 पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम देने की मांग की है। यूक्रेन को अब तक जर्मनी और अमेरिका से एक एक पैट्रियट डिफेंस सिस्टम मिले हैं, तो जर्मनी से भी ज्यादा लेपर्ड 2 टैंक देने की गुजारिश की है। यूक्रेन को जर्मनी से अब तक 18 लेपर्ड टैंक मिले हैं। रूस की सेना ने यूक्रेन के एक पैट्रियट डिफेंस सिस्टम को मार गिराने का भी दावा किया था, जबकि जर्मनी के लेपर्ड 2 टैंक को बर्बाद करने के कई वीडियो सबूत भी सामने आ चुके हैं। ये ज़ापोरिज़्या इलाके की तस्वीर है, जहां रूस ने यूक्रेन के मेड इन जर्मनी लेपर्ड 2 टैंकों को तबाह कर दिया था। एक तरफ जेलेंस्की है, जो उधार और मदद के हथियारों से यूक्रेन को बचाने की कोशिश में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ ताकतवर पुतिन है, जो अपने घातक हथियारों से यूक्रेन को मिट्टी में मिलाने पर आतुर है। यूक्रेन की जंग 16वें महीने में दाखिल हो चुकी है। इस दौरान रूस को भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन इससे बेपरवाह पुतिन अपने सैनिकों की हौसला अफजाई में जुटे हैं। रूस के नेशनल डे के मौके पर पुतिन ने यूक्रेन की जंग में जख्मी जवानों को हीरो ऑफ रशिया और ऑर्डर्स ऑफ करेज जैसे सम्मानों से नवाजा। इस मौके पर पुतिन ने रूस के लोगों में देशभक्ति का जज्बा कायम रखने की अपील की। В непростое для России время они еще больше, крепче объединяют наше общество, служат надежной опорой нашим героям, участникам специальной военной операции. Патриотизм, ответственность за судьбу отчизны завещаны нам предками, которые достигли поистине грандиозных трудовых и ратных побед. Заһир, ये समय पुतिन के लिए भी बहुत कठिन है, क्योंकि यूक्रेन में युद्ध के 475 दिन पूरे हो चुके हैं और जेलेंस्की को घुटने पर लाने की पुतिन की हसरत अब भी अधूरी है। ऐसे में सवाल ये कि क्या अब यूक्रेन में पुतिन कुछ ऐसा कर गुजरेंगे जिसका अंदेशा बीते कई महीनों से जताया जा रहा है, और वो अंदेशा है यूक्रेन में परमाणु धमाके।